हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे मंटू बबीता चैनल में। आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर परिवार में खुश होंगे। और खुश होना भी चाहिए, ठंड बहुत है, तो आप लोग ठंड से बच के रहिए। ठंड एकदम गलन है, शीत लहर है, इतना ज़्यादा कड़ाके का ठंड पड़ रहा है कि पछुआ हवा इतनी तेज़ी से चल रही है कि बाहर निकलने में एकदम हाथ पैर जैसे सुन्न हो जा रहा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ठंड में बच बचा के रहिए, और क्योंकि हम लोगों को ठंड लगा है तो हम लोग उसकी परेशानी जान रहे हैं। और क्या ही बताएं, यहाँ पर अभी रात के लगभग हमें लगता है 11 बज रहा होगा, और अभी हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग लगातार दीदी का वीडियो वॉच करते ही हैं, खुशी दीदी का, तो आप लोगों को पता ही होगा कि सुबह वो रो रही थी, उनका गुल्लक का पैसा चोरी हो गया, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी सुबह से इसी वजह से। और इसके बाद फिर खाना वाना भी नहीं खा रही थी, जब वो गुल्लक वाला लगभग देखी, पता नहीं क्या दिमाग में आया, तो लगभग हमें लगता है 11 साढ़े 11 बज रहा था, तो फिर रोने होने लगी। इसके बाद से हमें लगता है कि हम लोगों का खाना वाना 2 बजे किसी तरह बनाए खाओ भी नहीं रही थी, कोई नहीं खा रहा था खाना, क्योंकि वो रो रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। और इसके बाद जीजा आए, बोले भी कि चलो ठीक है हम दे देंगे, कहाँ कितना था उसमें ज़्यादा नहीं था, दे देंगे, लेकिन वो कहीं कि निकाले ही क्यों। और इसके बाद से फिर शाम को बहस होने लगा दोनों लोगों में, बहुत ज़्यादा बहस हुआ। फिर हम इसके बाद दूसरे रूम में थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बहस होने लगा, तो इसीलिए जीजा कहीं चले गए हैं, अभी आए नहीं हैं। हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, और इस समय रात के बज रहे हैं 11:15। तो हम दोनों बहनें यहीं पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं, फोन वोन बंद आ रहा है जीजा का। तो शाम को चले गए थे हम लोग, सोचे मार्केट वर्केट में होंगे। इसके बाद जो है अभी काफ़ी टाइम से फ़ोन लगा रहे हैं, लगभग 2 घंटे से गोविंद भैया अभी फ़ोन लगा रहे हैं, तो फोन मतलब फ़ोन जा ही नहीं रहा, मोबाइल बंद किया, हमें लगता है नाराज़ है, कहाँ है नहीं, समझ में फोन नहीं आ जा रहा है। रहा है। फ़ोन जा रहा है, फ़ोन जा रहा है, मगर रिसीव नहीं कर रहे, नाराज़ होकर के। देखा हाँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और देखिए फोन जा रहा है, मगर फोन जा रहा है, देखिए फोन जा रहा है, मगर रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। 11 बज रहा है, 11 बजे में 1 मिनट कम है। नाराज होकर के गए हैं अब देखिए सुबह तक। और सब लोग हम लोग टेंशन में हैं, कोई खाना वाना नहीं खा रहा, इंतजार कर रहे हैं हम लोग, तो तब तक शाम को सोचे कि मार्केट में नाराज होकर गए, अभी चले आएंगे तो खाना वाना बनाए। इसके बाद जो है अभी तक पता ही नहीं चल रहा कहाँ, और तब से दीदी उदास बैठी हुई हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इनको भी, मतलब टेंशन है कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आदत वाला का आदत नहीं छोड़ता है। हम लोग तो बैठ के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ होंगे तहाँ मजा में होंगे। अब कैसे होंगे कैसे नहीं, एक नहीं होता है कि आदत वाला का आदत नहीं छूटता है। उल्टे चोरी और ऊपर से सीना जोरी, हमारे नज़र में वो गलत है, उनके नज़र में हम गलत हैं, बताइए। तो ये गलत बात है। ऐसे चले गए अचानक से, अब और टेंशन होगा ना, ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए जैसे एक कहावत है कि औरतें अगर नाराज होकर के घर से निकलती हैं तो मायके जाती हैं, उनका एक ठिकाना होता है, आदमी सबसे पहले मायके पता लगाता है। लेकिन अगर आदमी नाराज है तो कहाँ चला गया, मान लीजिए दोस्त के यहाँ कहीं भी रुक सकता है, तो इसलिए आदमी घर पे पहला कॉल करे, अगर घर नहीं है तो समझ में नहीं आता कहाँ रुके हुए हैं, कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं हैं। तो इसलिए हर पुरुष वर्ग से हमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कभी भी घर में झगड़ा झड़प हो तो आप नाराज होकर के तुरंत मत घर से निकलिए, आप गुस्सा शांत होने का इंतजार करिए, इसके बाद आप खुद ही घर छोड़कर नहीं जाएंगे। गुस्से में आदमी कहीं भी चला जाता है, फिर औरतें इंतजार करती रहती हैं कि मतलब कहाँ गए कैसे गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उनका ठिकाना कहाँ है। औरत नाराज होके जाती है तो आदमियों को पता रहता है कि वो मायके ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आदमी नाराज होकर के गया तो कहाँ गया नहीं पता चलता है। तो इसीलिए ऐसा आप लोग ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ दीदी बहुत ज़्यादा टेंशन में है शाम से, तो इन्हीं का टेंशन देख करके हम इतना अनुमान लगा सक रहे हैं कि घर पे भी दीदी फोन की तो कहें वहाँ नहीं है, तो अब देखिए यहीं कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा है, घंटी जा रही मगर रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो बताइए, रात में फोन नहीं उठेगा तो दिमाग टेंशन में होगा ही, और आजकल के समय अच्छा नहीं है, आप लोगों को पता ही है। समय के अनुसार सब कुछ टेंशन बढ़ते जाती है।
तो आजकल तो दोस्ते यार और चाहे भाई बहन परिवार कोई को अपना सगा नहीं, सब मौके फायदा उठाना चाहते हैं। किसी भी भरोसा भी नहीं है। हमारे और उनके में झगड़ा होगा, तीसरा हवा मजा लेगा और तीसरा हवा मजा उठा लेगा। हाँ, तीसरा आदमी फायदे के चक्कर में जो रहेगा, जो मौके ताक में रहेगा, अपना फायदा उठाएगा उसी चीज का। और युग जमाना खराब ही चल रहा, आप लोगों को पता है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों थोड़ा दिमाग लगा कर रहिए, झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है। ये तो पता ना किसके चक्कर में पगला गए हैं, अभी हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जिस दिन राज खुल जाएगी ना, उस दिन अब क्या हम बताएं, भगवान ही जानते हैं। और हम एक हफ्ते से आए हुए हैं इसी चीज को लेकर के। कभी कभी दीदी जी हम बहस होता है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता। अभी लोग बहस करते हैं, जी बताइए, आप मियाँ बीवी का झगड़ा कोई को पता चलता है? नहीं चलता है, जब तो हद से ज्यादा हो जाता है, तभी सबसे पता ऊपर होता है, चलता। तब पता चलता है। तो अभी बार बार दीदी पूछती हैं कि कहीं इनका फोन बिजी रहता, जब जीजा बाहर रहते फोन बिजी रहता, उसी पे इनको डाउट हो जाता है कि घर पे रहते हैं तो फोन नहीं बिजी रहता, ऐसे फेंकी रहती मोबाइल। इसी चीज सब लेकर के बहस होने लगा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गए हैं जीजा। तो पता नहीं खाए होंगे कि खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं। और यहाँ ये भी दीदी से हम कह रहे हैं आप खा लीजिए, आएंगे तो फिर उनको खिला दिया जाएगा, तो ये भी नहीं खाना वाना खा रही है। पता नहीं कैसे हाल में है, सुबह के खाना खाए हुए थे, क्या कर रहे होंगे आदमी। बात ये नहीं है कि खाना उन्हें नहीं मिलेगा, बात यह है कि गुस्से में आदमी कहीं और रहेगा तो खाना खाएगा नहीं, बात ये है। अरे जो घर पे सुविधा मिल जाती है, जो घर पे अच्छा रहता है, वो किसी के भी घर अच्छा है कहीं नहीं मिलता कोई है। किसी के यहाँ अगर रुक भी गए मान लीजिए, तो कोई पूछे एक बार खाना लाए दो बार, नहीं तो बस आदमी ने गया। लेकिन घर पे आदमी एकदम चिरौरी करके खिलाता है कि खा लीजिए, थोड़े खा लीजिए, रात में ऐसे नहीं सोना चाहिए। मतलब अपना घर का चीज, घर की बात अलग होती है अपने, और बाहर बाहर ही होता है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए कैसे गए। आप लोग अनुमान लगा ही सकते हैं कि अगर घर में कोई बिना बताए ऐसे कहीं चला जाता है तो कितनी टेंशन होती है। तो आप लोगों को हमें लगता है कि इतना बताने की जरूरत नहीं है कि कैसा लग रहा होगा, क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं ऐसी एक आध बार घटना हो जाती। कभी देखिए आजकल का जमाना ऐसा है कि लड़कों को डांट दो तो लड़के घर से भाग जाते हैं। हाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे भाग हाँ, जाते भाग हैं। जाते हैं। समझाने लगो कि ये काम गलत है तो नाराज होकर के भाग जाएंगे। जरूरी नहीं है कि किसी के हस्बैंड ही भागे, बहुत लोग हैं लड़का लड़की। किसी को भी अगर समझाने लगो कि इनके साथ मत रहो, ये गलत है, या ये काम मत करो, नाराज होकर भाग जाते हैं। तो हमें लगता है कि हर कोई इस चीज को समझता होगा कि अगर कोई घर से बिना बताए चला जाए, कोई भी हो रिश्ता हो, भाई बहन माँ बाप कोई भी हो, तो कैसा लगता है। आप लोग समझ सकते हैं इस फीलिंग को। तो अब क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब सुबह शाम से बैठे हैं, जिस करे खा लीजिए, ना सो रही है ना कुछ। अब परी देखिए, परी को यहाँ देखिए, नीचे अभी यही बैठी हुई अपना खेल रही है। इसे क्या पता है, बच्चा है छोटा सा, अपना ये खेल में लगा हुआ है। और अपने पापा के पास ये बहुत रहती है, मतलब पापा को देख लेगी तो बस उन्हीं के पास रहेगा। ये भी अपना ढूंढ रही है, नहीं समझ में आ रहा, रो रा के चुप हो जा रही है। अब थोड़ी और जानने लायक होती तो जरूर पूछती पापा पापा, नहीं तो जीजा के पास बहुत ज्यादा रहती थी। तो अब क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों बहने बैठ के इंतजार कर रहे हैं, गोविंद भैया गए हुए हैं कहीं अगल बगल पता लगाने के लिए, जहाँ उन्हें लगा कि यहाँ कहीं करीब में रुक सकते हैं। तो उनसे भी पता चला, दो तीन जगह गए थे तो कि कहीं है नहीं जीजा। अब देखिए अभी अभी वो घर पे वो भी नहीं है बेचारे, इसी ठंडी में ढूंढ रहे हैं। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देखिए मिल जाए भगवान तो ठीक है। कहाँ गए हैं, किसके यहाँ रुके हैं, कि कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए 11:30 हो गए। हाँ, चलिए 11:30 लगभग बज गया, और वीडियो को क्या ही बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए आप लोग बस भगवान से दुआ करिए कि आ जाएं जीजा, और हमें हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस वो घर आ जाए सही सलामत सुरक्षित। देखिए हमारा बाबू ये भी जग रहा हम लोगों के साथ, उदास एकदम चेहरा उतरा हुआ है, तबीयत खराब ही है इसका बाबू का, एकदम सर्दी जुकाम ठंडी लग गई थी तो पूरा, ये इनको भी चैन नहीं। हम लोग साथ ये भी इंतजार कर रही हैं। कहो देखे अभी बतिया है बेचारा। तो आप लोग दुआ खिलौना करिए रख कि दे। मतलब कहीं भी हो ठीक ठाक हो, और मिल जाए, ना मिले तो रात में जहाँ भी हो ठीक हो, सुबह तक घर आ जाए, बस यही चाहते हैं आप लोगों से। चलिए रखते हैं, समझ में नहीं आ रहा, बाय।